अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जी रेसिपी है शलजम का अचार। हम लोगों ने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स लेना है, इसको कोर्सली ग्राइंड करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने 1 kg शलजम लेना है, उसको हमने गोल गोल काटना है। ये देखें जी, एक शलजम उठाया, ये जी उठा लिया, और इसको हम लोगों ने इसके इतने थिन स्लाइसेस करने हैं, ठीक है जी, इतने मोटे रखना है। उसके बाद हम लोगों ने 2 टेबल स्पून चॉप गार्लिक लेना है, 2 टेबल स्पून चॉप जिंजर लेना है, फ्रेश फ्रेश, ठीक है जी। उसके बाद 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लेनी है, और 20 ग्राम्स के बराबर हम लोगों ने गुड़ लेना है, और 1 टीस्पून कलौंजी लेनी है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने शलजम उठाना है और इसको पानी के अंदर डालना है, और पानी के अंदर शलजम के साथ हम लोगों ने गुड़ डालना है, और इसको बॉईल करना है अराउंड 7 मिनट्स टू 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स में शलजम अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। ये जी शलजम बॉईल हो गए, अब हम लोगों ने इसका सारा पानी स्ट्रेन करना है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने लास्ट स्टेप में करना क्या है, 4 ग्लास हम लोगों ने पानी लेना है, बॉईल पानी, ठीक है। कच्चा पानी नहीं डालना, जो बॉईल वाटर, बॉयल वाटर को हम लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करना है। 4 ग्लास हम लोगों ने बॉयल वाटर लिया, उसके बाद जो हम लोगों ने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स लिए थे वो डालना है, और सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। ये जी जिंजर गार्लिक भी चला गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर शलजम डालने हैं, ये जी शलजम आ गए, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसको हम लोगों ने 3 डेज़ के लिए सुला देना है, अच्छी तरह से इसको सुला देंगे ताकि इसकी नींद पूरी हो जाए। 3 दिन के बाद इसके अंदर जो अचार का टेस्ट होता है ना, वो 3 डेज़ के बाद डेवलप हो जाएगा। 3 दिन के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे जार में रखना है जिसके अंदर से एयर इसके अंदर ना जा पाए, ठीक है जी। 3 दिन तक हम लोगों ने इसको सुला देना है, मतलब इसको 3 डेज़ के लिए हम लोगों ने लीव कर देना है। उसके बाद जब ये ख़ुद ही इसके अंदर थोड़ी सी खटास आने लगेगी ना, अचार हमारा रेडी टू सर्व हो जाएगा, ठीक है जी। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ।